नमस्कार, मेरा नाम चंदा देवी है और मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के इचाक ब्लॉक के एमकेएसपी प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पे मैं काम कर रही हूँ। पिछले 5 वर्ष से जेसल पीएस के तहत एमकेएसपी के द्वारा महिला किसान को खेती बाड़ी के तकनीक पर प्रशिक्षण दे रहे हैं और पिछले 2 वर्ष से पोषण वाटिका पर भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें लगाने में भी मदद कर रहे हैं। पोषण वाटिका से सालों भर का सब्जी हमें ताज़ा एवं फ्री मिलता है और पोषण वाटिका से हर तरह का सब्जी मिलता है। आज यही कारण है कि आज हमारे गांव की सभी दीदी पोषण वाटिका को अपना रही हैं और आज हम गांव स्याल कला में महिला समूह के दीदी को पोषण वाटिका लगाने का तरीका बताएंगे। नमस्कार दीदी लोग, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग पोषण वाटिका लगाने का तरीका सीखने आए हैं। नमस्ते दीदी। हाँ दीदी, आज हम लोग पोषण वाटिका सीखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, सबसे पहले हम जमीन का चयन करेंगे। घर के आसपास के जमीन में पोषण वाटिका के लिए 1 से 1.5 डिसमिल जमीन का चयन करेंगे। 1 से 1.5 डिसमिल इसलिए जरूरी क्योंकि 7 से 8 तरह का सब्जी हम उसमें उगाएंगे और अपने घर में उसे खा सकें। दीदी, जब ये मेरा 1 डिसमिल जमीन है तो इसमें आप पोषण वाटिका लगाना सिखाएंगे? हाँ दीदी, आपका 1 डिसमिल जमीन है उसमें कोड़ाई करके साफ सफाई करेंगे और 8 बेड बनाएंगे। दीदी, हम ध्यान देंगे कि बेड बनाएंगे उसमें नाला छोड़ेंगे जिससे हमें पोषण वाटिका में काम करने में आसानी हो। दीदी, ये मेरा जमीन है तो कोड़ा हुआ है, साफ सफाई किया हुआ है, तो क्या इसमें हम बेड बनाना शुरू करें? बिल्कुल दीदी, अब हम लोग यहाँ पे 8 बेड बनाना शुरू करेंगे। दीदी, मेरा 1 डिसमिल जमीन में 8 बेड बना लिए, अब इसमें क्या करेंगे? अच्छा दीदी, इसमें हमारा 8 बेड बन के कम्प्लीट हो गया, अब हम इसमें 8 तरह का सब्जी लगाएंगे। 8 बेड में हमें ये ध्यान देना है दीदी कि हमें 2 बेड में साग वाला सब्जी लगाएंगे और 2 बेड में हम जड़ वाला सब्जी लगाएंगे और बाकी 4 बेड में हम फलदार सब्जी लगाएंगे। दीदी, आप चाहे साग वाला फसल हो या फिर जड़ वाला फसल हो या फिर फलदार फसल हो, आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। दीदी, हम 2 बेड में साग लगा लेते हैं, 1 बेड में पालक साग लगा लेते हैं, 1 बेड में गंधारी साग लगा लेते हैं और 1 बेड में मूली, 1 बेड में गाजर और बाकी 4 बेड मेरा बचता है उसमें हम लगा लेंगे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्चा और टमाटर। फसल का चुनाव तो बहुत अच्छा किए दीदी, पर लगाने से पहले कुछ और जरूरी बात बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात दीदी कि हम पोषण वाटिका में रासायनिक खाद या रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमें पोषण वाटिका में नाडे पीट का होना बहुत जरूरी है। देखिए दीदी, ये पोषण वाटिका के पास ये दीदी का नाडे पीट बना हुआ है और इस तरह नाड़े पीठ सभी दीदी के पोषण वाटिका के पास होना बहुत जरूरी है और इसी नाड़े खाद का प्रयोग अपने पोषण वाटिका में करेंगे। दूसरी बात दीदी कि हमारे पोषण वाटिका में अगर फसल लगा रहे हैं तो सालों भर पानी नहीं रह पाती तो हमारा पोषण वाटिका अच्छा उपज नहीं हो पाएगा, इसलिए पोषण वाटिका के बगल एक जलकुंड बनाएंगे। उस जलकुंड में हम पानी, जैसे घर का हाथ धोने या बर्तन धोने का पानी जो बर्बाद होता है वो पानी हम जलकुंड में रख सकते हैं और उससे हम अपने पोषण वाटिका में सिंचाई कर सकते हैं। ये रीना दीदी का पोषण वाटिका के बगल में एक जलकुंड बना हुआ है।
दीदी चलिए रीना दीदी के पोषण वाटिका में फसल का रोपाई करेंगे, लेकिन उससे पहले पौधा या बीज का बीजा अमृत से उपचार करेंगे। जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे कि रीना दी का पोषण वाटिका में अलग अलग 8 तरह का सब्जी लगाएंगे, वो हम लोग अब लगा लिए। अब हम आगे और आप लोग को जानकारी देंगे। बिल्कुल दीदी, अब आगे की जानकारी हम लोग को बताइए। अब अगला काम होगा बकरी मुर्गी अन्य जानवर से हम बचा पाए तो पोषण वाटिका से सब्जी खा पाएंगे, इसलिए दीदी अपना पोषण वाटिका में नेट का उपयोग करके घेरा करेंगे। ठीक है दीदी, चलिए हम नेट खरीद के रखे हैं, अब हम लोग घुरान लगाने का काम करते हैं। जैसे कि दीदी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि पोषण वाटिका में घुरान करेंगे, तो हम लोग ये पोषण वाटिका में घुरान कर लिए हैं और इस घुरान से मेरा पोषण वाटिका सुरक्षित है। इस घुरान का उपयोग और भी करेंगे, जैसे कि चारों तरफ लतर का सब्जी लगाएंगे। हाँ दीदी, तो चलिए हम लोग अब लतर वाला सब्जी लगाते हैं, जैसे खीरा करेला बोदी और झींगी लगाएंगे। दीदी अब हम लत्तर वाला सब्जी भी लगा लिए, तो अब और कुछ करना है इसमें? सब्जियों के अलावा हमारे खान पान में फल का होना बहुत जरूरी है, इसलिए पोषण बगीचा में 2 से 3 तरह का फल का पौधा होना बहुत जरूरी है। चूंकि रीना दी का पोषण वाटिका में पहले से अमरूद और पपीता का पौधा लगा हुआ है और साथ में मुनगा का पेड़ भी लगा हुआ है, इसलिए आज हम लोग फलदार पौधा नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस दीदी का घर में फलदार पौधा नहीं है, उस दीदी का पोषण वाटिका में फलदार पौधा लगाना बहुत जरूरी है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको पोषण वाटिका बनवा दिए और हम लोग सब मिलकर बना लिए। और अब हमको बताइए, हम सभी दीदी जानना चाहते हैं कि पोषण वाटिका के क्या क्या फायदे हैं। पोषण वाटिका से बहुत फायदा हो मिलता है दीदी, जैसे कि इसमें हमारा ताज़ा सब्जी मिलता है और जो बाज़ार से खरीदते थे वो हमारा पैसा जो खर्च होता था वो पैसा का बचत होता है। पोषण वाटिका से ताज़ा एवं जैविक सब्जी मिलती है और हर रोज तरह तरह का सब्जी भी मिलती है। पोषण वाटिका से सालों भर हरी एवं ताजी सब्जियां मिलती है, जिसे खाकर गर्भवती महिला, धात्री माता, किशोरी बच्चे और उसके साथ घर के पूरे परिवार स्वस्थ रहते हैं।
धन्यवाद दीदी आपको जो हम लोग को पोषण वाटिका के बारे में बताया। इस छोटी सी पोषण वाटिका में थोड़ी सी मेहनत से हम लोग साल भर ताजी एवं हरी सब्जियां खा सकते हैं। हाँ किरण दीदी, इस पोषण वाटिका से कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता है। इस पोषण वाटिका को हर दीदी को अपनाना चाहिए और अपने गांव के आसपास के दीदी को भी पोषण वाटिका बनाने में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी।